समय पंजीयन नहीं है, जब नर्स नहीं है तो पंजीयन कहाँ हो पाए, आगे पीछे भी हो जाते हैं। मैडम चले जाते बाहर मीटिंग में या कोई जगह भेज देते तो बाहर जाना पड़ते, तो स्वास्थ्य केंद्र बंद रहते तो यहाँ गर्भवती पंजीयन भी नहीं हो पाए। जैसे मुख्य समस्या ये है कि अगर हम तीनों स्टाफ होते जैसे एनएम आरएचओ सीएचओ तीनों होते तो हमारे यहाँ जब अच्छे से काम हो पाता, किसी का कंप्लेन नहीं जाता। जैसे अगर मैं एक काम करती इधर गर्भवती को देखती तो कोई टीका लगाता, तो एक दिन ही मेरे को एकदम दो तीन काम करना पड़ जाता, तुरंत टीका लगाओ फिर गर्भवती को देखो, उसी बीच में कभी बीपी शुगर वाले पेशेंट आ जाते तो उन लोग को दिक्कत होता है, सारे के सारे बैठे रह जाते हैं यहाँ पे। तो मैं छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत ऊपर वहां में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन है जो पिछले 30 साल पहले बना था और अभी जर्जर स्थिति में है। जो अतिरिक्त कमरा है वहीं पर संचालित है उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र में एनएम की समस्या है और आरएचओ की समस्या है। एक ही मतलब स्टाफ होने के कारण से सभी चीज को देखने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 3500 है। अब 3500 की जनसंख्या में लगातार कभी कोई बीपी के लिए आते हैं तो शुगर के लिए आते हैं, तो कोई नॉर्मल बीमारी के लिए आते हैं, गर्भवती महिलाएं आते हैं, टीकाकरण भी करना है, तो सभी चीज को एक स्टाफ को करने में काफी दिक्कत आ रही है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कम से कम 4 या 5 गांव आते हैं, तो मेरे यहाँ लगभग 7 गांव आते हैं, अगल बगल के पूरे गांव आते हैं, जिसका पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ अपना ओपीडी सही टाइम पे नहीं दे पाती हूँ, मतलब वक्त पूरा नहीं दे पाती यहाँ। जैसे कि हर मंगलवार शुक्रवार को हमारा मेन काम है कि बच्चे लोग को टीका लगाने का है, गर्भवती महिला को दूसरे गांव में जाके जांच करने का है, तो जिसके कारण से मैं अपना यहाँ ओपीडी बंद करके मैं वहां जाती हूँ। मेरी गैरहाजिरी में मेरे जो पेशेंट रहते हैं जो फॉलोअप वाले, उन लोग को दिक्कत हो जाता है। तो जैसे मैं सेकंड दिन आती हूँ तो उन लोग मेरे से कंप्लेन करते हैं, मैडम आपका ये बंद था, तो मैं उन लोग को बताती हूँ कि मेरा इस गांव के अलावा और दूसरा गांव है, तो मैं वहां गई थी, तो मेरा ना बाकी जो मरीज है उन लोग को दिक्कत हो जाती है दवाई के लिए, और जैसे सर्दी खांसी बुखार उन लोग को भी दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण उन लोग दूर जाते हैं, दूर से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और शुगर बीपी वाले चेक करवाला था तो बंद रहते स्वास्थ्य केंद्र, तो भी नहीं हो पाए, और ऐसे दवाई ले गए बच्चा सर्दी खांसी या बुखार है तो भी मन नॉर्मल दवाई वाले मतलब भी नहीं मिल पाए, मैडम ने रहा बाहर चले गए रहते तो। और स्टाफ के भी हम लोग जैसे 3 स्टाफ होते हैं हमारे जो है उप स्वास्थ्य केंद्र में, इन्हें मारे चो, और जब से ये हेल्थ एंड वेलनेस बना है तब से सीएचओ का भी पोस्टिंग किया गया है। हेल्थ वेलनेस मतलब सीएचओ का पोस्टिंग, सीएचओ का मेन उद्देश्य जैसे हम लोग को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में फोकस करना है, जैसे गैर संचारी रोग में, तो इसमें क्या करते हैं अपना बीपी शुगर आ जाता है, टीबी के मरीज है, स्ट्रोक के है, हार्ट अटैक, ये सबको हम लोग को क्या करना है देखना है और अर्ली डायग्नोसिस करना, मतलब पहले से ही निकालना है कि हाँ इनको 30 साल के बाद इनको शुगर होने के चांसेस है बीपी, तो उन लोग को क्या करना है, उन लोग को हम लोग को गाइड करना है कि आप फॉलोअप में रखना है उन लोग को। डिलीवरी के लिए मतलब कहाँ जाने का है अभी आपको? अब यहाँ तो सिस्टर नहीं है, सीधा घूमकर जाना पड़ेगा। कितना महीना चल रहा है? 5। और आपका जांच होता है? हाँ। जांच कहाँ हो रहा है? ऊपर वहाँ। टीका वीका लग रहा है ना? हाँ। जांच भी हो रहा है, टीका भी लग रहा है। डिलीवरी तो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा भवन है वो पुराना है, बहुत जर्जर हो गया है। जो पुराना भवन है हमारा करीबन 30 से 35 साल हो गया है, उसको बहुत ज्यादा जर्जर हो गया है वो, तो उसकी वजह से अभी डिलीवरी नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। विधायक को लेटर दी हूँ, इसमें सिस्टर नहीं है आरोचो नहीं है, दोनों के लिए दी हूँ मैं स्थायी रूप से, यहाँ आरोचो और सिस्टर नहीं है, इसके लिए विधायक जी को दी हूँ और सांसद जी को भी दी हूँ मैं लेटर, और उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग में भी दी हूँ मैं, और यहाँ भी दी हूँ सीएम के पास। घूमका में जब जन चौपाल लगा था तो सीएम के पास भी मैं दी हूँ लेटर कि यहाँ आरोचो और सिस्टर की कमी है, यहाँ 1.5-2 साल हो गया जो अभी तक यहाँ नहीं दिए हैं, खाली है, तो यहाँ ना बदस्त करने के लिए स्थायी रूप से सिस्टर और आरोचो के लिए मांग की हूँ, और कलेक्टर में भी दी हूँ अपने लेटर कि जिस आरोचो और सिस्टर के लिए जो परिवार को हो या किसी भी जैसे सदस्य को हो हमारे गाँव में, जैसे बीपी है, शुगर है, नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार, ये थोड़ा छोटा छोटा जो इलाज यहाँ हो जाता था, यहाँ तक डिलीवरी भी यहाँ भी होता था, डिलीवरी भी होता था, पहले होता था डिलीवरी, लेकिन 2 साल से
लगभग यहाँ आरोचर और सिस्टर की कमी के कारण ये सब बंद है, और कभी जो देखने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र में तो वहाँ दिए हैं, यहाँ सेंटर में भेजे हैं, लेकिन उसको 7 गांव को देखना पड़ता है, जिसमें स्थायी रूप से यहाँ उसको मुश्किल होता है कि रहने के लिए उसको कहीं कहीं दौरे में भेज देते हैं, महीने या हफ्ते में ऐसे कभी कल बैठ जाते हैं, तो आते हैं गांव के लोग दिखाने के लिए, लेकिन मेरी मांग है कि हमारे गांव में स्थायी रूप से यहां रहें, जिसमें हमारी गांव के जनता को लाभ मिल सके स्वास्थ्य केंद्र में, उसके छोटे छोटे इलाज के लिए सर्दी खांसी बुखार बीपी शुगर और डिलीवरी वगैरह जब सभी को यहाँ होते थे, अब उसको 9 किलोमीटर जाके वहाँ घूमका में इलाज कराना पड़ता है, कभी कभी नानगांव जाके इलाज करना पड़ता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज कराना पड़ता है जिसमें उसको फीस लगती है, यहाँ निःशुल्क का इलाज हो जाता था, वो सब बंद है अभी। लेकर के ग्राम पंचायत सरपंच जी के साथ में आज हम जिला कलेक्टर से मिलने आए थे, जिला कलेक्टर दौरा में चले गए हैं, इसलिए हम डिप्टी कलेक्टर को आवेदन देके दिए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर डोमन सिंह जी का नंबर है 07744224610, इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं भान साहू छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले से।